ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। हमने चेयरमैन महोदय से भी ये बात कही है कि जितने भी एक्स्ट्रा फ्लाइंग होती है वो आप नूह जिले के लिए आप रखवाइए और हम चेक भी करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो जितने भी परिवार के लोग होते हैं, देखिए एक सामूहिक चीज़ है, बच्चा सिर्फ प्रशासन का नहीं है, माँ बाप का भी है, गुरु का भी है। तो मैं एक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुचिता हम बनाए रखें और ये शुचिता केवल प्रशासन के कहने पे नहीं होनी चाहिए, ये सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि उस शुचिता को बनाए रखा जाए। तो हमारी तरफ से भी कार्य किया जाएगा। मैं सबसे और रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं कि भाई इस चीज़ का शुचिता बनाए। ये तस्वीरें 7 मार्च दिया ने, पर इस तो पहला एक और वीडियो सामने आया सी। देखो किवें कंधां ते चढ़े हुए ने बच्चे अते खिड़कियां दे विचों पर्चियां फड़ा रहे ने। ये भी नूह जिले के तावड़ू इलाके की वीडियो। हुणे तस्वीरां देख के अंदाजा लगाओ कि सिक्ख्या दा की हाल है। सोशल मीडिया ते वीडियोस खूब वायरल होए ने। एक पासे हरियाणा सिक्ख्या महकमे वल्लों 27 दा दावा कीता जा रहा है ते उत्थे वीडियोस दावियां दी पोल खोलण लई काफी ने।